आदर अभिनंदन आभार नमस्कार आदाब सत श्री अकाल हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम दीपक थरा योर इंग्लिश ट्रेनर एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो सो टुडे इन दिस वीडियो एज यू हैव सीन इन द थंबनेल टुडे वी आर गोइंग टू डू द सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 12th इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेसन द नेम ऑफ दिस लेसन इज लॉस्ट स्प्रिंग दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग क्या मतलब होता है इसका लॉस्ट मतलब खो गया स्प्रिंग मतलब वसंत वसंत ऋतु एक ऐसा समय है हमारी लाइफ का जब हमारी खुशियाँ होती है हर तरफ हरियाली होती है फूल खिले हुए होते हैं नेचर अपने एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की ब्यूटी पे होता है तो इन द सेम वे हमारी लाइफ में वसंत कब आता है हमारी लाइफ का वसंत वो हिस्सा होता है जो हमारा बचपन होता है क्योंकि बचपन हमारा इतना खूबसूरत होता है कि हम चाहते हैं कि भाई हम वापस अपने बचपन में चले जाएं खुशियाँ होती हैं हम खेलते रहते हैं मस्ती करते हैं कोई टेंशन नहीं होती राइट तो इन द सेम वे लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने वसंत को एक वसंत की तरह नहीं जी पाते तो ये स्टोरी कुछ ऐसे ही बच्चों की स्टोरी है जो कि बिल्कुल गरीब हैं और उनकी लाइफ का वसंत खो चुका है सो दैट्स वाई द नेम ऑफ दिस लेसन इज द लॉस्ट स्प्रिंग सो हेयर वी हैव द टू कैरेक्टर्स टू मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है फर्स्ट वन इज समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज एंड सेकेंड वन द बॉय इज मुकेश हु वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक एक मैकेनिक बनना चाहता है तो इसे टू पार्ट्स में स्टोरी को हम कंप्लीट करेंगे तो पहला जो लड़का है उसका नाम है साहिब आलम तो उसकी स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं तो स्टोरी का टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज कभी कभी मुझे एक रुपया मिल जाता गार्बेज में ये स्टोरी का टाइटल है तो इसमें जो ये स्टोरी है दैट इज़ रिटन बाय अनीश चंग जो राइटर हैं इस स्टोरी के वो हैं अनीश चंग व्हाई डू यू डू दिस ये क्वेश्चन किया अनीश चंग ने जो कि स्टोरी की राइटर हैं किससे एक लड़के से जो कि एक छोटा सा बच्चा है और उसका नाम है साहिब आलम व्हाई डू यू डू दिस एक ऐसे बच्चे से क्वेश्चन किया गया जो कि गार्बेज के हीप्स में कूड़ा ढूंढता है ही इज़ अ रैग पिकर मतलब कूड़ा बीनने वाला एक ऐसा बच्चा है जो कि कूड़ा बीनने वाला है तो उसने इससे पूछा कि साहिब आलम तुम ऐसा क्यों करते हो ये काम क्यों करते हो और ये एक ऐसा बच्चा है जो कि कभी एक ऐसी जगह से आए थे जिस प्लेस का नाम था ढाका और जो कि हरा भरा हरियाली से भरा हुआ दैट वॉज अ लस्ट इन प्लेस उनके वहाँ पर खेत भी थे जिनमें काम करते थे बट अब जो इसकी मम्मी है साहिब आलम की उसको बताती थी कि हमारे जो खेत थे और वहाँ से ये तूफान बहुत ज़्यादा आया जिसकी वजह से उनका घर उनके खेत सब कुछ बर्बाद हो गए एंड आफ्टर दैट इन 1971 दे केम टू दिल्ली और ये दिल्ली में आ गए दिल्ली में इसलिए आए कि क्योंकि इनको कोई काम की तलाश थी ताकि कुछ इनको काम धंधा मिल सके इसलिए दिल्ली में आकर बस गए जो कि आउटस्किट्स के एरियाज़ में दिल्ली के रह रहे हैं जिसका नाम है सीमापुरी एक दिल्ली का बाहरी क्षेत्र है जहाँ पर हज़ारों की संख्या में ये रैग पिकर्स कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं तो उनमें से एक साहिब आलम था जो कि एक बार लेखिका से मिलते हैं तो लेखिका ने पूछा व्हाई डू यू डू दिस तुम ऐसा क्यों करते हो यानी कूड़ा क्यों बीनते हो अब साहिब आलम थोड़ा सोचता है एंड ही रिप्लाइज क्योंकि मेरे पास कोई और काम नहीं है तो मैं क्या करूं तो उसने उससे कहा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते अब बच्चा एक मासूमियत के साथ सोचता है क्योंकि इन लोगों के लिए स्कूल वगैरह इनके बारे में इनको पता ही नहीं है कि स्कूल जाना चाहिए क्या वैल्यू है स्कूल की ना इनके पेरेंट्स इस बात को समझ पाते हैं और ना ये बेचारे इस लेवल पर हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएं लेकिन फिर भी लेखिका ने उससे पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते अब बच्चा थोड़ा सोचता है और सोचने के बाद जवाब देता है कि स्कूल हमारे पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है इसीलिए मैं स्कूल नहीं जाता तो उसने पूछा अगर मैं स्कूल बनाती हूँ तो क्या तुम मेरे स्कूल में जाओगे तो बच्चा खुश होकर जवाब देता है हाँ अगर आप स्कूल बनाती हो तो मैं ज़रूर जाऊँगा लेकिन उन्होंने ये प्रॉमिस तो किया लेकिन बाद में रियलाइज़ भी हुआ कि ये स्कूल जाने की कैसे बातें कर रही है क्योंकि इन लोगों के लिए सर्वाइवल करना ही एक बहुत बड़ी चीज़ है ये लोग स्कूल के लिए नहीं सोच पाते तो फिर भी उसने फिर भी पूछा था कि भाई तुम स्कूल क्यों नहीं जाते ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं द नेक्स्ट टाइम व्हेन दे मैच टुगेदर अगैन तो साहिब आलम भागा भागा आया और आके पूछा कि मैम क्या आपका स्कूल तैयार हो गया जब ये क्वेश्चन किया गया इस पर्सन के पूछते ही जो लेखिका है जो राइटर है अनीश चंग उनको बहुत ही शर्मिंदा फील होता है शी फेल्ट एम्बैरस्ड दैट टाइम कि मैंने किस प्रकार का एक वादा किया
कि भौतिक ऐसा वादा था जो कि फुलफिल नहीं कर सकती थी, क्योंकि स्कूल बनाना ये एक दिन का काम तो है नहीं और ना ही स्कूल बना सकती है। और जब उसने उसको सजेशन दिया था कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, उसने मजाक मजाक में कह तो दिया लेकिन उसने खुद भी फील किया था हाउ होलो हर एडवाइस मस्ट साउंड, कि किस प्रकार की खोखली उसकी सलाह थी, क्योंकि ये बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। लेकिन जब उसने सोचा कि ये बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि आप मैडम क्या आपका स्कूल तैयार हो गया, तो उसको बहुत ही शर्मिंदा महसूस होता है। शी फेल्ट एम्बैरस्ड दैट टाइम बिकॉज क्योंकि उसने एक फॉल्स प्रॉमिस किया, एक झूठा प्रॉमिस किया, एक ऐसा वादा किया जो कि इन गरीब लोगों की ज़िंदगी में हर तरफ भरा हुआ है, क्योंकि हर एक इंसान इनको वादे करते हैं लेकिन कोई भी इनके वादे पूरे नहीं करता। एक महीने उसके जानने के बाद लेखिका ने उसे उसका नाम पूछा और उसने जवाब दिया साहिब ए आलम। ये नाम सुनकर लेखिका हैरान हो गई कि जिस बच्चे ने इस नाम को लिया है साहिब ए आलम, उसको खुद इसका मतलब नहीं पता। अगर उसे इसका मतलब पता लग जाए तो वो खुद हैरान हो जाएगा, उसे खुद अपने नाम पर यकीन नहीं होगा। साहिब ए आलम इट मीन्स द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स का स्वामी, इस ब्रह्मांड का स्वामी साहिब ए आलम। यानी कहने का अर्थ ये है कि नाम इतना बड़ा जिसके बिल्कुल विपरीत ये बच्चा इतनी गरीबी में अपनी ज़िंदगी काट रहा है। इन लोगों से ये अक्सर मिलती रहती थी, तो जब इसने नाम पूछा और इसमें से धीरे धीरे इनको कुछ लेखिका को राइटर को पहचान हो गई थी इनकी मंडली की, धीरे धीरे सबको ये पहचानने लगी थी। कुछ बच्चों की मंडली थी जो कि इधर उधर नंगे पैर भटकते रहते थे, दे यूज़ टू रन हिदर एंड थिदर बेयरफुट। सो एक दिन राइटर ने पूछा व्हाई डोंट यू वेयर चप्पल्स, अभी चप्पल्स शूज़ वगैरह क्यों नहीं पहनते। उनमें से एक ने जवाब दिया माय मदर डजंट ब्रिंग देम डाउन, मेरी मम्मी जो है उनको नीचे ही नहीं उतारती, दोज आर कैप्ट ऑन द शेल्फ, कि जो मेरे शूज़ हैं मैं जो चप्पल्स हमारी वो शेल्फ पे रखी हुई हैं और मेरी मम्मी नीचे उतार के ही नहीं देती, तो इसीलिए हम इनको पहनते ही नहीं हैं। इतने में दूसरा बोलता अगर उतार के भी दे देती ना तो तब भी ये क्या करते इनको फेंक देता। ये बात एक तीसरे दूसरे बच्चे ने बोली थी जिसने जूते तो पहन रखे थे लेकिन बेमेल रंग के जो कि मैच नहीं कर रहे थे, यानी किसी ने इसको जो बिल्कुल डिस्कार्डेड जो शूज़ होते निकाले हुए फेंके हुए, ऐसे बच्चे ने पुराने फटे पुराने शूज़ पहन रखे थे, मैच नहीं कर रहे थे, टेढ़े अलग अलग थे, लेकिन बेचारा थोड़ा शर्माते हुए अपने पैरों को पीछे करता कि राइटर का ध्यान मेरे जूतों की तरफ चला जाए, तो थोड़ा शर्मिंदा महसूस करता है। ये बात बोलता है कि पहनेगा ही नहीं फेंक देगा। इतने में तीसरा बोलता है आई वॉन्ट शूज़, एक ऐसा बच्चा बोलता है जिसने ज़िंदगी में कभी ढंग से जूते देखे ही नहीं थे, कभी उसने कभी पहन कर देखे नहीं थे जूते। तो ये कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके पास शूज़ नहीं थे, नंगे पैर जैसे हालत में ऐसे घूमते रहते थे। एंड वन ऑफ देम सेड इट इज़ आवर ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मतलब परंपरा। तो एक बच्चे ने कहा कि ये तो हमारी परंपरा है, हम तो नंगे पैर ही घूमते हैं। तो बच्चा एक तरीके से परंपरा कह रहा है, तो क्या कर रहा है, वो अपनी गरीबी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये परंपरा कोई नहीं है, ये उनके हालात हैं। बच्चों को देखकर राइटर को एक स्टोरी याद आ जाती है जो कि एक उदीपी जो प्लेस है वहाँ की, वहाँ पे एक पुजारी रहता था, उसका एक बच्चा था जो अक्सर भगवान के आगे जाके मंदिर में जाके पूजा करता था और कहता था कि भगवान काश मुझे जूते दिला दे, एक जोड़ी जूते दिला दे। तो एक बच्चे के लिए जूते कितने कीमती थे, तो इन बच्चों को देख के उसे वो स्टोरी भी याद आ जाती है। आफ्टर नियर अबाउट 30 ईयर्स व्हेन शी वेंट बैक देयर, जब वहाँ पर वापस गई थी उसने देखा कि वहाँ पर जो पुजारी था वो भी नया आ गया था, और जो अब जो एक छोटा सा बच्चा वहाँ पे एक स्कूल से आ रहा था उसने देखा वो बच्चा जाके प्रार्थना कर रहा था, और अब उसने जो नए पुजारी का बच्चा था उसने काफ़ी जूते वूते जो ड्रेस थी स्कूल यूनिफॉर्म थी सब कुछ पहना हुआ था। तो वो सोच रही थी कि किसी को तो कोई चीज़ मिल जाती है किसी को नहीं मिलती, और जब उस बच्चे को जूते मिल गए थे तो वो मंदिर में जाके फिर से पूजा करने लग जाता था और भगवान के आगे पूजा करता था, ये भगवान कि क्या मेरे कभी मेरे जूते खो ना जाएं। पहले जूतों के लिए पूजा करता था बच्चा, और अब बच्चा किस चीज़ के लिए पूजा कर रहा है कि मेरे जूते खो ना जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों के लिए जो छोटी छोटी वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं किसी को मिल जाती हैं किसी को नहीं मिलती, तो ये बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ना तो ये शूज़ मिले हैं और ना इनके पास शूज़ हैं, और नंगे पैर जो घूमने वाले बच्चे हैं इनसे सीमापुर में ये जो राइटर मिली थी। तो ये जो लोग थे 1971 में बांग्लादेश से दिल्ली में आए थे और यहाँ पर आके इन्होंने अपना जीवन बसर करना स्टार्ट कर दिया था। दे केम हेयर फॉर द मीन्स ऑफ सर्वाइवल, सिर्फ जीने के लिए कुछ संसाधन, जीवन अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पर ये आए थे ये लोग। यहाँ पर इन लोगों के पास ना कोई आइडेंटिटी के लिए कोई प्रूफ है ना कोई चीज़ें हैं, ये इनके पास कोई सरकारी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सिर्फ इनके पास राशन कार्ड वगैरह है। वो किस लिए है, वो आइडेंटिटी के लिए नहीं,
वो इसलिए ताकि इनको वहाँ से राशन मिल सके, खाना पानी मिल सके। क्योंकि इन लोगों के लिए जैसे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो आइडेंटिटी के लिए होते हैं, हम अपना दिखाते हैं भाई ये मेरी आइडेंटिटी है, ठीक है। लेकिन इन लोगों के लिए राशन वगैरह, राशन कार्ड का होना आइडेंटिटी नहीं था, सिर्फ भोजन से रिलेट करते थे ये कि भोजन मिल जाए, इसीलिए इन्होंने राशन कार्ड तो बनवाए हुए थे। ये लोग जो औरतें हैं, ये लोग बताते थे कि कैसे इनके लिए सिर्फ यहाँ पर सर्वाइवल के लिए ही रहना इनके लिए इम्पोर्टेंट है। ये इनको जहाँ जगह मिल जाती है अपने टेंट गाड़ के उनमें रहना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे इनके जो बच्चे हैं उन्हीं टेंट्स में बड़े होते हैं और इनके साथ रोजी रोटी में इनकी हेल्प करते हैं। और यहाँ पर रोजी रोटी क्या है, सिर्फ कूड़ा बीनना। रैग पिकिंग इज़ द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी। तो सभी लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कूड़ा बीनने का काम करते हैं। इनके लिए सर पर एक छत होना ही काफ़ी होता, चाहे वो टपकती हुई क्यों ना हो, क्योंकि बच्चों के लिए तो यही एक बहुत बड़ी चीज़ थी। यानी इन हम कह सकते हैं कि अब सुना होगा ना, गैरों के महलों से तो अच्छे खुद के झोपड़े होते हैं, तो खुद का झोपड़ा इनके लिए एक बहुत बड़ी बड़ी चीज़ होती थी। इनका घर जैसा भी था ये बड़े खुश होकर उसमें रहते थे, चाहे वो छत होनी चाहिए इनके ऊपर, चाहे वो टपकती हुई क्यों ना हो। ऐसे ही ये अक्सर बच्चे क्या करते रहते, कूड़े में चीज़ों को ढूंढते रहते। तो बच्चों के लिए कूड़ा एक अलग चीज़ है और जो बड़े हैं उनके लिए कूड़ा एक अलग चीज़ है। बच्चों के लिए जो कूड़ा है क्या है, रैप्ड इन वंडर है। क्या है, रैप्ड इन वंडर, एक रहस्य से भरा हुआ एक ढेर जिसमें एक रहस्य की पोटली, जहाँ पर बच्चों को अलग अलग प्रकार की चीज़ें मिल जाती हैं। और बड़ों के लिए क्या है, कूड़ा करकट सिर्फ एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ताकि इनको रोजी रोटी मिल सके, कुछ काम धंधा ये कर सके, कुछ कमा सके पैसे से इस कूड़े से, वो उनके लिए साधन है। लेकिन बच्चों के लिए क्या है, जो ये कूड़े के ढेर हैं उनके लिए क्या है, एक रैप्ड इन वंडर है, यानी अद्भुत से भरी चीज़ है। क्योंकि यहाँ पर साहिब आलम को कई बार एक रुपये का सिक्का मिल जाता है। स्टार्टिंग में बताया था ना, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज हीप, तो कभी कभी मुझे एक रुपये का सिक्का मिल जाता है। और बच्चा जब एक रुपये का सिक्का मिल जाता है तो और भी ज़्यादा स्काउचिंग करना स्टार्ट कर देता है, और भी ज़्यादा टटोलने लग जाता है इन चीज़ों को कि हाँ क्या क्या पता, काश मुझे एक दो रुपया और मिल जाए। साहिब आलम बताता भी है कि कभी कभी तो मुझे 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। तो बच्चों के लिए कूड़ा एक अजीब ही दुनिया है, उनकी दुनिया है, उनको कूड़ा कूड़ा नहीं लगता। तो इन लोगों के लिए जो हमारे लिए कूड़ा होता है, इनके लिए क्या है, जीने का साधन है। और बच्चों के लिए क्या है, रैप्ड इन वंडर है, हैरानी से भरी हुई एक गठरी है। सर्दियों का वक्त था, एक बार जो साहिब आलम था वो खड़ा हुआ था एक क्लब के बाहर, जहाँ पर वो दो लोगों को देख रहा था जो कि सफ़ेद ड्रेस में थे, वाइट ड्रेस उन्होंने पहनी हुई थी, और वो क्या कर रहे थे, टेनिस खेल रहे थे। साहिब आलम वहाँ पे गेट पे खड़ा होकर आराम से देख रहा था और कुछ बुदबुदाता है, क्या कहता है, आई लाइक दिस गेम, उसको ये गेम बहुत पसंद था। ऐसे ही बेचारा बाहर खड़ा हुआ सोच रहा था, जब लेखिका ने उसे देखा और उससे बात की तो उसने बताया कि मुझे गेम बहुत ज़्यादा पसंद है। जो साहिब आलम है उसकी पहुंच से काफ़ी दूर है ये गेम, एक बच्चे की मजबूरी दिखाई दे रही है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि भाई किस प्रकार एक बच्चा, इन बच्चों का जो वसंत है, जो स्प्रिंग है, इनको कोई भी मतलब हर एक चीज़ से क्या डिप्राइड है, वंचित हैं, उन चीज़ों को सिर्फ देखकर ही अपना मन बहला लेते हैं। हालांकि जो साहिब आलम यहाँ पर खड़ा था वो भी टेनिस के जूते पहने हुए था, जो जूते उन बच्चों ने पहन रखे थे जो अंदर खेल रहे थे, सेम ऐसे ही टेनिस के जूते इसने भी पहन रखे थे। लेकिन अंतर ये था, ये किसी अमीर इंसान के बच्चे के फेंके हुए जूते थे जो कि इसने साहिब आलम ने पहन रखे थे, जिनमें से एक जूते में क्या हो रखा था, छेद भी हो रखा था। डिसकलर्ड शर्ट थी, एक ऐसी शर्ट उसने पहनी हुई थी जिसका बिल्कुल रंग उड़ा हुआ था, और बच्चा आराम से खड़ा होकर बाहर से गेम के देख रहा था। साहिब आलम बताता कि कभी कभी जो यहाँ का जो वॉचमैन है, जो गार्ड है, वो उसको जब कोई नहीं होता क्लब में तो जाकर एक स्विंग को यूज़ करने की इजाज़त दे देता है, मुझे वहाँ पर जाके झूलने की इजाज़त मिल जाती है, यानी कभी कभी वो अलाउ कर देता है कि चल बच्चा है जाके खेल ले। तो ये बच्चा था, जूते भी पहने थे, लेकिन फिर भी ये जो खेल था उसकी पहुँच से बहुत ही बाहर था। अब एक सुबह की बात है जब साहिब आलम राइटर से फिर से मिलता है, लेकिन इस दिन साहिब आलम कुछ बदला हुआ था। आज उसके हाथ में एक कूड़ा बीनने वाला बोरा नहीं था, आज उसके पास था एक कंटेनर। आज वो एक दूध की जो दुकान है उसकी तरफ जा रहा था। साहिब आलम ने बताया कि अब मैं जॉब करता हूँ, जो रोड साइड में जो नीचे की तरफ एक दुकान है, टी स्टॉल है, उस पे मैं जॉब करता हूँ, और मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं, और पूरे दिन का जो खाना होता है, ऑल द मील्स ही ऑल्सो गेट्स दैट, सारे भोजन इसको मिलता है, 800 रुपये इसको पेमेंट मिल जाती है। और अब ये क्या करता है, जॉब करता है। लेकिन आज जो उसका कनस्तर था वो उसके बैग से ज़्यादा भारी लग रहा था।
यहाँ पर कहने का जो उसकी आंखों में हमेशा चमक दिखाई देती थी वो खुश होकर भागा भागा आता था, लेकिन आज साहिब आलम की आंखों में भी दिखाई नहीं दे रही थी। क्यों? क्योंकि नाउ ही वॉज नॉट हिज ओन मास्टर, वो अब खुद का मास्टर नहीं था, वो खुद का मालिक नहीं रहा था, अब वो किसी के अंडर में काम कर रहा था। यानी आज जो उसको खुद दिल से कोई अपनी अच्छी चीज़ करने की होती थी, खुशी होती थी, आज वो उसकी आंखों में दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि अब वो खुद किसी का नौकर बन चुका था। चाहे उसे सैलरी मिल रही थी, चाहे उसे खाना मिल रहा था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी, क्योंकि आज वो एक ऐसी ज़िंदगी में चला गया था जो खुद को अपना किसी का नौकर समझ रहा था। और इसीलिए जिस बैग को वो अपने मज़े से टांगता था वो बैग उसका हल्का लगता था, और आज जो उसने कनस्तर उठा रखा है जो किसी और का है, जो स्टी स्टूल वाले का है, आज वो क्या लग रहा है? भारी लग रहा है। तो ये थी स्टोरी साहिब आलम की। द नेक्स्ट पार्ट विल बी ऑफ मुकेश, हु वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, जो बच्चा मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। और अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस जो आते हैं मैं बताऊँगा कौन कौन से आते हैं। एक ये भी आता है कि भाई मुकेश और जो साहिब आलम है इन दोनों में क्या डिफरेंस था, इनका क्या रवैया था, क्या इन दोनों के कैरेक्टर्स थे, इनके बारे में आते हैं, इससे रिलेटेड दोनों से क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो थी साहिब आलम की स्टोरी, जो बेचारा रैग पिकिंग करता है, रैग पिकिंग कूड़ा बीन कर अपनी ज़िंदगी, अपना जो खुशियाँ है, अपना बचपन है अपना बिताता है, कभी नंगे पैर, कभी जूते पहन रखे तो टूटे फूटे जूते हैं, छेद हो रखा है, अपने आसपास की चीज़ों को देखता है, गेम्स को देखता है कहीं कहीं छिपके, लेकिन सभी चीज़ें उसकी ज़िंदगी से क्या बाहर है। तो किस हालात में बच्चों का जीवन जी निकल रहा है, हम लोगों ने तो फिर भी बहुत अच्छा जीवन जिया है, लेकिन ये लोग अपने अभावों में अपनी कमियों में अपना जीवन निकालते हैं। सो दैट वॉज द स्टोरी ऑफ साहिब आलम। सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डू the story of Mukesh, who wants to become a motor mechanic, and how he is different from Saheb Alam. So I think aapke video achhi lagi hai, story achhi lagi hai, to like, share, subscribe zarur kare Guru Dakshina ke roop mein. Thank you very much, bye bye, take care, aur milte hain aapse next video mein, tab tak ke liye namaskar.